फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जो बीट्स वगैरह होते हैं ना, जो ज्वेलरी बनाने के लिए हमें काम आते हैं, उन सब का हम बनाएंगे आज बॉक्स। तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको सामान बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सीज़र ली है, ग्लू ली है, कार्ड स्टॉक्स लिए हैं, प्रिंटेड पेपर लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना सा सामान लिया है और एक मैंने वेस्टेड बॉक्स लिया है जो तो हम लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पहले बनाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दो DIY बनाए हैं, 2 एसेसरीज जिसकी मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। तो पहले मैंने यहाँ पे स्क्रंची बनाया जो थोड़ा अच्छा नहीं बना। कैसा बनाया आप बताना, फर्स्ट टाइम बनाया था तो इसलिए अच्छा नहीं बना मेरे से। और ये मैंने एक जोकर बनाया, 2-in-1, जिसको हम जोकर के टाइप से भी पहन सकते हैं और हमारे हैंड्स पे भी पहन सकते हैं, जिसको मैंने ग्लिटर शीट की स्टिकर और रिबन और ये मिरर से बनाया है। कैसा लगा बताना आप मुझे कमेंट करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो बॉक्स है उसको कलर या प्रिंटेड पेपर से ऐसे कवर कर देना है। मैंने यहाँ पे साइड्स में कर दिया है एंड ऊपर कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, एंड फिर मैंने यहाँ पे 2 स्टिक्स ली हैं लंबी कार्ड स्टॉक की, जिसको हम ऐसे यहाँ पे ग्लू गन से स्टिक करेंगे अभी। ओके, पहले मैं आपको सामान सब कट करके बता देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने ये ली हैं और इनके बीच में पार्टीशन करने के लिए मैंने यहाँ पर ली हैं कार्ड स्टॉक के छोटी छोटी से क्यूब्स या स्क्वायर टाइप के ये कटआउट्स। तो ये आपको लेना है, बस आपको कुछ नहीं करना। अब आपको यहाँ पे इनको स्टिक करना है। तो मैं यहाँ पे ये स्टिक करूँगी इस टाइप से, मैं यहाँ पे भी स्टिक कर देती हूँ। ये देखिए, इस टाइप से आपको कर लेना है और अच्छी केयरफुली से करना कि आपके चिपक ना जाए। अब मैं यहाँ पे ये जो छोटे छोटे कार्ड स्टॉक हैं इनको स्टिक कर दूँगी। देखिए इस तरह, देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सबको स्टिक कर दिया है और अभी ये कितना अच्छा लग रहा है ना। और सब आप इसमें एसेसरी आप रख सकते हो। ये 4-4 मैंने यहाँ पे पार्ट्स किए हैं इनके, और इसको ये ऐसे आपको कट करना है कि ये लग जाए इजीली इस टाइप से, और अच्छे से इसको आपको सूखने देना है। ओके, कैसा लगा आइडिया? और इसको जब मैं जमाऊंगी इसका वीडियो अलग आएगा। तो ओके, बाय बाय, सी यू सून।